सीएलसी से मैं नवीन जोशी, टीम केमिस्ट्री। और पेपर माइनर टेस्ट 9 टेस्ट सीरीज का सॉल्व करते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है, इसमें अपने को पहले क्वेश्चन समझते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो जहां पर दे रखा है कि 22.4 लीटर H2 को 11.2 लीटर Cl2 के साथ मिक्स किया जाता, इसमें दे रखा है कि 22.4 लीटर H2 को 11.2 Cl2 के साथ मिश्रित किया जाता है STP की कंडीशन पर, तो HCl के कितने मोल बनेंगे, फॉर्म्ड मोल्स ऑफ HCl। तो सिंपल सा जो रिएक्शन होता है, H2 जब कंबाइंड होता है Cl2 के साथ, H2 गैस Cl2 गैस के साथ जब फॉर्म करता है तो 2 HCl फॉर्म होते हैं। तो इसमें अपन रिएक्शन चाहे तो मोल से भी कर सकते हैं, मोल के साथ भी कर सकते हैं, जहां पर H2 के मोल पता हो और मोल को Cl2 के मोल पता हो। लेकिन अपन इसी रिएक्शन को यदि STP पे दे रखा है तो अपन लोग इसको वॉल्यूम से कर सकते हैं। यदि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम रखी जाए तो जो क्वेश्चन मोल से हो सकता है वही क्वेश्चन आप वॉल्यूम से भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आप वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। तो इसमें अपने को H2+Cl2 यदि मोल से करना चाहे तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि STP पर जो फॉर्मूला है मोल का, जो वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट किया जाता है, तो जो मोल्स दे रखे हैं H2 के, मोल्स दे रखे हैं 22.4 लीटर डिवाइड बाई 22.4, तो इसका आ गया 1 मोल। 1 मोल H2 का रिएक्शन करता है Cl2 के 11.2 डिवाइड बाई 22.4 के, फॉर्मूला क्या होता है इसका, गिवन वॉल्यूम एट STP डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 मोल। अब इसमें सबसे पहले अपने को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कौन इसमें लिमिटिंग रिएजेंट LR है। LR ही इसको डिसाइड करेगा कि कौन कितना प्रोडक्ट बनाएगा। तो H2 और Cl2 जब रिएक्शन करता है तो इसमें 1 मोल H2 का है और 1/2 मोल Cl2 का है, तो इसमें LR का काम करेगा Cl2, क्योंकि इसके मोल कम है। तो Cl2 डिसाइड करेगा कितना HCl बनेगा, तो इसके मोल कंप्लीटली कंज्यूम होंगे, तो जितने भी मोल इसके कंप्लीटली समाप्त हो जाएंगे मोल, तो इसके 1 मोल से इसका कितने बनते हैं, 2 मोल। तो मैं कह सकता हूं कि इसके 1/2 मोल से इसका 2 टाइम बनेगा, तो 1 मोल। तो इसमें 1 मोल HCl गैस का फॉर्मेशन होगा। ओके डियर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन पूछा गया है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड, जो क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या है। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, H2C2O4, लेकिन जब इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है तो .2H2 आ जाता है, यही क्रिस्टलाइन ऑक्सैलिक एसिड। और इसका इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार, और इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार इज इक्वल्स टू मोलर भार डिवाइड बाई वैलेंसी फैक्टर, संयोजकता गुणांक। तो जो एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, उसका जो वैलेंसी फैक्टर है इसका 2 आएगा, क्योंकि ये 2 H रिलीज कर सकता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर इसका मोलर भार कंप्लीट मॉलिक्यूल का लेना पड़ेगा। तो इस कंप्लीट मॉलिक्यूल का मोलर भार कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 + 24 + 64 + 18 × 2, तो ये आ गया 126। तो अपने को यहाँ पर इसका मोलर भार 126 डिवाइड बाय इसका VF कितना आ जाएगा, जितना ये H प्रोवाइड कर सकता है, एसिड का VF डिफाइन करने का तरीका ये रहता है, जितने वो H डोनेट कर सकता है। ओके डियर, तो इसका VF वैलेंस फैक्टर कितना आ जाएगा, 2, तो इससे कितना आ जाएगा, 63। 63 इज करेक्ट आंसर। ओके डियर, चलो नेक्स्ट 48 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन बोला है कि यदि हम जो यूनिट मास है, जो अपन कार्बन यूनिट मास लेके चल, जो यूनिट मास जो होता है अपन 1/12 हिस्सा जो होता है कार्बन का, उसको यूनिट मास की तरह बिहेव करते हैं, कंसिडर करते हैं, यदि इसी की बजाय 1/12 की जगह 1/6 को माना जाए तो मास में क्या चेंज आएगा, यही बोला गया है क्वेश्चन में। इफ वी कंसिडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12, मास ऑफ कार्बन एटम इज टेकन टू बी द रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, देन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल बी, 1 मोल सब्सटेंस का मास क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यूनिट मास था आपने इसको 2 टाइम नहीं कर दिया क्या,
आपका जो यूनिट मास था, आपने उस यूनिट मास को क्या कर दिया, टू टाइम कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सब्सटेंस था जहां पर आपने 1/12 लिया करते थे, जैसे हाइड्रोजन का 1 आया करता था कार्बन को 1/12 लेने पर, और यदि आप इसको हाफ कर दोगे तो मास भी क्या हो जाएगा, हाफ। एक तरह से आपने ये बोल दिया कि जैसे जो मास था वो डिक्रीज नहीं हो जाएगा क्या, क्योंकि जहां पर आपने यूनिट 1/12 मानी थी उसकी जगह आपने यूनिट क्या मान ली, 1/6। जहां पर आपने यूनिट 1/12 माना था उसकी बजाय आपने 1/6 को यूनिट मास माना है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जो मास है सबका हाफ से डिक्रीज नहीं हो जाएगा क्या, जो मास है वो चेंज होगा नो डाउट, लेकिन हाफ से सबका डिक्रीज हो जाएगा। और ये ये बोल देता कि 1/24 मान लिया जाता, 1/24 मान लिया जाता, तो इस केस में क्या बोलता कि उससे मास सबका डबल हो जाता जिस यूनिट में। ये वही बात होगी, इसको अपन जैसे जस्टिफाई करना चाहें तो यदि 2 kg बाट को मैं 1 किलो बोल दूं, ये यही बात होगी, 2 kg बाट को मैंने यूनिट बोल दिया, तो यदि मेरे पास 50 kg है तो वो 2 kg को यूनिट मान रहा है, तो मेरा पास 25 नहीं हो जाएगा क्या, मेरा वेट हाफ नहीं हो जाएगा क्या, तो इससे हाफ डिक्रीज हो जाएगा मास। ओके डियर, नेक्स्ट। फोर्टी नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला गया है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटोमिक गैस इज, बोला गया कि एक त्रिपरमाणविक गैस है उसके 0.1 मोल में अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसमें मानता हूं कि A3 नाम का कोई, A3 नाम से कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ये ट्राई एटोमिक मतलब त्रिपरमाणु, एक अणु में 3 परमाणु उपस्थित है। ओके डियर, अब मैं क्या बोलता हूँ, यदि इसका 0.1 मोल है, 0.1 मोल है, तो इसमें अणु कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 0.1 × Na। जब भी किसी के मोल पता है तो उसके यदि मॉलिक्यूल बताने हैं तो Na से गुणा कर देते हैं अपन लोग, क्योंकि फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल्स टू, क्योंकि फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास एक, और गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, तो इससे नंबर ऑफ पार्टिकल क्या आ जाएगा, मोल मल्टीप्लाई बाई Na। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहां पर काम में लिया है, और इससे मैंने क्या बोला कि यदि इसके अंदर मोल को 0.1 मोल को Na से गुणा कर दिया जाए तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे n, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 0.1 × 6 × 10^23। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया एटम कितने हैं, परमाणु कितने हैं, यदि अपने पास अणु पता है तो परमाणु निकालने के, उसमें परमाणुता के गुणा कर देते हैं, यदि अपने पास मॉलिक्यूल पता है और अपने को निकालना है क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, तो इसमें अपन क्या करें, एटोमिसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इसमें क्या हो जाएगा, 0.1 × 6 × 10^23 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि इसकी एटोमिसिटी कितनी है, 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 × 3 18 मल्टीप्लाई बाई 0.1, 1.8 × 10^23। तो इसका आंसर 1.8 × 10^23 आ जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि 1 ml की एक ड्रॉप है, इफ 1 ml ऑफ वाटर कंसिस्ट 20 ड्रॉप, मतलब एक जो ड्रॉप है उसमें, सॉरी 1 ml जो है, एक पानी का ml जो है उसमें 20 बूंदे हैं पानी की, ओके, 1 ड्रॉप में, ठीक है। देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज, इसका मतलब ये है कि 1 ml में कितनी बूंदे हैं, सॉरी 1 ml में कितनी ड्रॉप्स हैं, 20 ड्रॉप, मतलब 20 बूंदों से मिलके 1 ml बनता है। तो इसने पूछा 1 ड्रॉप में, इसने पूछा कहाँ है, 1 ड्रॉप। यदि 1 ड्रॉप की बात की जाए तो 1 ड्रॉप में वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1/20 ml नहीं आ जाएगा क्या, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1/20 ml। कैसे, जैसे बोलोगे 20 ड्रॉप्स जो हैं, जो 20 बूंदे हैं उसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 20 बूंदों का वॉल्यूम आ रहा है 1 ml। तो 1 बूंद का, 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, ÷20 हो जाएगा, 1 ml ÷20। तो यहां से अपने को पता चलता है कि 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है। यदि 1 ड्रॉप का वॉल्यूम मेरे पास है तो 1 ड्रॉप का मास भी निकाल सकता हूँ। अब इसमें मास कैसे निकाला जाए, ये 1 ड्रॉप का वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इज गोज टू, यदि डेंसिटी अपने को पता है पानी का, और इन जनरल पानी का डेंसिटी अपन क्या कंसिडर करते हैं, डेंसिटी इज गोज टू 1 ग्राम पर ml, और ये है
डेंसिटी इज गोइंग टू क्या फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी इज गोइंग टू मास अपॉन वॉल्यूम तो अपन क्या करते हैं मास अपने को निकालना है उसका मास अपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम कितना है 1/20 ml ठीक है डियर डेंसिटी कितनी है 1 तो मास कितना आ जाएगा 1/20 g मास कितना आ जाएगा 1/20 g अब अपने को क्या करना है सबसे पहले तो मोल निकालने मोल की हेल्प से अपन मॉलिक्यूल निकालेंगे तो पहले मैं निकालता हूँ मोल मोल क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास गिवन मास कितना है 1/20 g ये हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है 18 ये आगे मोल अब मोल को यदि नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं यदि मोल से अपन कणों की संख्या निकालना चाहते हैं तो क्या करेगा 1/20 / 18 इसके मोल आगे इंटू एन से गुणा कर देंगे तो इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाएगा क्या दैट इज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कैपिटल एन तो ये जो वैल्यू है इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1/360 कैसा है समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई बाई 6 × 10^23 अब इसको सोल्व करेंगे तो अपना ऑलमोस्ट 1.6 × 10^21 के आसपास वैल्यू आ जाएगा ओके डियर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉक्स से इसमें बोला गया है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस एटम इन दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मतलब लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो सल्फर एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से बदल रही है उसको अपने को जस्टिफाई करना ओके डियर तो मैं बोलता हूँ कि जो सल्फर है इसमें मेरी बात करूँ ये जो सल्फर कनेक्टेड है ये एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है और एक सल्फर के साथ कनेक्टेड है यदि आप देखो कि जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं स्ट्रक्चर की हेल्प से संरचना की सहायता से तो जो डबल बॉन्डेड से तो वहां पर ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लिए होंगे इस वजह से सल्फर पे +2 आया होगा सिमिलरली नीचे भी ऑक्सीजन -2 अपने तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचोगे फिर सल्फर पे +2 आया होगा फिर सल्फर में इस ऑक्सीजन ने भी अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन खींचा होगा क्योंकि एक बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसकी फिर +1 आया होगा तो ओवरऑल इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइन करें तो कितना हो जाएगा +5 और यदि बात करूं इस सल्फर का तो क्योंकि ये वाला सल्फर दो यदि मैं बात करूं इस सल्फर की क्योंकि ये दोनों साइड से जो सल्फर है उसी से कनेक्टेड है और जब दोनों साइड से सल्फर से कनेक्टेड है तो इसमें क्या बोल सकता हूं जब दोनों साइड से सल्फर से कनेक्टेड यहां पे भी ऐसा है यहां पे भी ऐसा है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा तो इसमें क्या बोलूंगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी सेम मतलब जीरो कोई चेंज नहीं होगा एक तरह से कोई चेंज नहीं मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लिया सेम इसी का भी जीरो रहेगा और ये सल्फर उसी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में ये वाला सल्फर था तो ये +5 में आ जाएगा तो लेफ्ट राइट मूव करने और +5 फिर जीरो एंड फिर +5 ओके डियर तो ये हो गया इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट है ये अच्छा क्वेश्चन एक कंपाउंड है जो कि तीन एटम कंटेन कर रहा है जिसमें से एक ए है एक बी है और एक सी है इन तीनों से मिलके ये कंसिस्ट हो रहा है जो ए है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है +2 जो बी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है +5 और जो सी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखा है -2 अब यदि बोला जाए इसमें कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करने का मतलब यह है कि जो भी मॉलिक्यूल आप चर्चा करोगे नेचुरली वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है जो भी अणु प्रकृति में पाया जाएगा वो उदासीन रूप में पाया जाता है तो अपन इस पर ये सोचेंगे कौन सा मॉलिक्यूल इस ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ न्यूट्रल है अपने को ये देखना पड़ेगा कौन सा अणु इस ऑक्सीकरण अवस्था के साथ क्या है उदासीन है तो इसको अपन जस्टिफाई करते हैं तो पहले वाला मॉलिक्यूल मैं चेक करता हूँ इसमें ए के तीन पार्टिकल्स हैं तो ए के तीन थ्री टाइम्स हो जाएगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2 फिर क्या है बी सी ब्रैकेट में है तो 2 times लग जाएगा अंदर और अंदर क्या वैल्यू है बी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5 और साथ में क्या है सी के कितने पार्टिकल्स हैं कितने कण हैं 4 और एक सी कितना है -2 एक सी है -2 ओके डियर तो यहां पर कितना आ जाएगा +6 और +2 अंदर क्या है +5 और ये बन जाएगा -8 और -8 क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 +6 ये रहा और ये माइनस
का टू के माइनस का थ्री प्लस के टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का सिक्स आ जाएगा, कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन में भी जीरो आ गया, इसका मतलब न्यूट्रल है, नेचुरली एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब अपने को आगे सेकंड थर्ड फोर्थ को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि सेकंड में बाई चांस नेट चार्ज कुछ आ जाता तो अपन सेकंड को डिस्कार्ड करते थे और कंटिन्यू नेक्स्ट पे चेक करते। ओके डियर, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो 53 में बोला गया है कि NaOH H3PO4 के साथ रिएक्शन करवाई गई है और उसमें पूछा गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। तो सिंपल सा तरीका है, इक्विवेलेंट वेट का भी थोड़ी देर पहले जो तुल्यांकी भार, इसका अपन ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, ये बोला ना फॉस्फोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना है इस अभिक्रिया को देखते हुए। तो पहले ही अपन ने लिखा था कि तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो इसका मोलर मास होता है, अपन को चेक करना पड़ेगा, तीन हाइड्रोजन है और फास्फोरस का 31 होता है और इसका ऑक्सीजन के चार पार्टिकल है तो 64 हो गया, तो हो जाएगा 898 इसका क्या आ जाएगा मोलर मास। अब अपने को पता है इसका मोलर मास आ गया 98 और एक एसिड की वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, जितने एच ओ दे रहा है डोनेट करता है। तो आप यहाँ पर देखो अब इस इंस्टेंट पर H3PO4 ने केवल एक ही एच दिया है, उस एक ही एच को न्यूट्रलाइज किया गया है, तो VF के फॉर्म में अपन को एक ही लेना है। इस अभिक्रिया में अपन देखेंगे कि एच अभी एक ही त्यागा गया है, इसका मतलब एक से उदासीनीकृत हुआ है, तो अपन लोग क्या करेंगे डिवाइड बाई VF क्या कर देंगे 1, तो मास कितना आ जाएगा उसका इक्विवेलेंट मास 98। ओके डियर, नेक्स्ट फिफ्टी फोर क्वेश्चन बोला गया, सॉल्यूशन ऑफ 10 ml FeSO4 वाज टाइट्रेटेड विद KMnO4, ठीक है, और KMnO4 एसिडिक मीडियम लिया है, तो ऑब्वियस बात है FeSO4 जब रिएक्शन करता है KMnO4 के साथ और मीडियम कौन सा है एसिडिक, तो Fe को ऑक्सीडाइज कर देगा प्लस 3 में, Fe को ऑक्सीडाइज कर देगा प्लस 3 में, और वहां पर सल्फर में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन Mn चला जाएगा प्लस 2 में। ये इसकी रिएक्शन, मैंने बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं लिखी क्योंकि इक्विवेलेंट इक्वल करने में बैलेंस रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। तो अब इसमें यदि बात करूँ रेडोक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो ये रिएक्शन के लिए अपने को इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4 है वो इक्विवेलेंट किसके इक्वल करने पड़ेंगे KMnO4 के। यदि रिएक्शन इक्वल इक्विवेलेंट में होती है, अपने को पता है इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 या FeSO4 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ओके डियर, अब इसमें इसके इक्विवेलेंट होंगे क्या, मोल इंटू VF। अब इसकी VF इसमें प्लस 2 है, प्लस 3 में गया, वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा 1 क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज 1 से हुआ। यहाँ पर ये प्लस 7 में है, प्लस 7 से किस में गया, प्लस 2 में चेंज कितना 5 का, तो VF क्या आ जाएगा 5। ओके डियर, अब मेरे को क्या करना है इक्विवेलेंट इक्वल करने है, तो मोल इंटू VF या फिर मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू VF इज इक्वल्स टू इसकी मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू इसका VF। तो यहाँ पर मोलैरिटी पता है 1/10, वॉल्यूम पता है 10 ml, अगले का भी 10 ml, ml में दे रखा है सारे ऑप्शन, तो इसमें ml पुट कर देते कोई दिक्कत नहीं है। VF कितना है 1, ये मोलरिटी अपने को देखनी है, ये वॉल्यूम अपने को निकालना है और ये VF अपने को चेक करनी है, तो VF तो अपने को पता है 5 है। तो जो KMnO4 है उसका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, ये 10 से 10 कट जाना है, तो ये आ जाएगा 1/5। तो अपने को देखना है कि किस केस में मोलरिटी इंटू वॉल्यूम 1/5 आ रहा है। तो इसमें देखो 5 ml इंटू 0.1, तो इसमें 1/1 आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट देखो 10 इंटू 1.1, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1.1, तो इसमें 1/5 नहीं आएगा। नेक्स्ट 10 ml इंटू 0.5 होता है हाफ, तो इसमें 10 अपॉन 1/2, ये भी 1/5 नहीं बैठ रहा। इसमें चेक करते हैं 10 इंटू 0.02 डिवाइड बाई, अब इस 2 0 को हटाता हूँ, यहाँ पर 100 आ जाना है, इससे कट जाना है, तो ये 1/5 इसमें एडजस्ट हो रहा है, तो इसमें 1/5 अपना आंसर आना चाहिए, इसमें m इंटू वी 1/5 आ रहा है, तो अपना आंसर 4th। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, 1 mole ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज द फॉलोइंग मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट इन एसिडिक मीडियम, मतलब फेरस सल्फेट के कितने मोल को एसिडिक मीडियम कंप्लीटली क्या कर देगा ऑक्सीडाइज कर देगा। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का 1 mole है, तो रिएक्शन वापस लिखता हूँ K2Cr2O7 प्लस फेरस
सल्फेट वापस सेम FeSO4, और एफ ई को एक इसमें क्रोमियम जो एसिडिक मीडियम में कुछ नहीं देखा तो एसिडिक मीडियम मानना पड़ेगा, और वैसे भी क्रोम पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ही वर्क करता है, तो यहाँ पर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो तो +3 में आ जाता है, और एफ ई को ऑक्सीडाइज करके इसको +3 भेज देगा। इसकी यहाँ पर वी एफ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3, लेकिन दो एटम में हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई किया, वी एफ आ गया 6। इसकी वी एफ अपने थोड़ी देर पहले देखी थी, वी एफ हो गया इसका 1, तो इसके इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट K2Cr2 के इक्विवेलेंट मोल इंटू वी एफ इसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, इसके मोल अपने को पता नहीं इंटू इसका वैलेंसी फैक्टर 1, तो आंसर जाएगा 6, मतलब इसके 6 मोल्स को इजीली ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ओके डियर, कितने मोल को ऑक्सीकृत करेगा, तो दोनों के तुल्यांक बराबर किए, जब दोनों के तुल्यांक बराबर किए मोल इंटू संयोजकता गुणांक से एक एक अपन ने निकाल लिए मोल निकाली, और इस तरह से अपन ने जस्टिफाई कर लिया। ओके डियर, नेक्स्ट नेक्स्ट है 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 में किस तरह से विच सब्सटेंस इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब कौन रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो, जो खुद क्या हो रहा हो ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्रोमियम +6 है, क्रोमियम +3 में गया, तो ये तो हुआ है रिड्यूस, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडाइज हो, और जो खुद रिड्यूस हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पर 0 है, ये +2 में गया, तो ये हुआ है ऑक्सीडाइज, तो इसका मतलब जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ Ni जो है खुद ऑक्सीडाइज हुआ, इसका रिड्यूसिंग एजेंट रहा होगा। ओके डियर, नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन। 57 बोला कि H2O2 एंड H2O2, ओके डियर, दोनों का हाइड्रोजन परोक्साइड में क्या मतलब किस तरह से बिहेव कर रहा है, एक तरह से किस तरह से व्यवहार कर रहा है, दोनों अभिक्रियों किसका कार्य कर रहा है ना। तो इसमें देखो H2O2 जो है ओजोन आपको पता है कि अच्छा ऑक्सीकारक है इस कंपेयर टू H2O2, ओजोन बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है किसकी तुलना में, H2O2 की तुलना में। तो H2O2 इसको क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, माइनस, वैसे भी यहाँ पर जो ऑक्सीजन वो -1 में, और वो -1 में इसको किस में भेज दिया, 0 में, और यहाँ पर जो 0 में ऑक्सीजन थी वो किस में आ गई, -2 में। वैसे भी इस ऑक्सीजन के पास माइनस में जाने का ही ऑप्शन था 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए तो जब भी ओजोन माइनस में जाएगी तो खुद रिड्यूस हुई, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया होगा। तो पैरेलल जो है, यदि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो पैरेलल जो साथ में आया जो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर H2O2 किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन भी देख लेते हैं, Ag2O और H2O2। अब देखो कि Ag2O में Ag जो है वो +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, तो Ag का क्या हुआ, रिडक्शन, सही बात है। और Ag जब रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होगा, और फिर से जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है उससे साथ वाला रिड्यूसिंग। देखो मैंने इस तरीके से क्यों जस्टिफाई किया, मतलब मैंने पैरेलल जो था उसको देख के क्यों जस्टिफाई कर रहा हूँ, इसका कारण ये है कि H2O2 में दोनों प्रोडक्ट बने हुए, एक्चुअली एक 0 का भी बना हुआ है और एक -2 का भी बना हुआ है। तो अभी इसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल है कि ये 0 से -1 वाला H2O2 का प्रोडक्ट है, या 0 से -2 वाला है, या फिर 0 से 0 सॉरी -1 से -2 वाला प्रोडक्ट है, या -1 से 0 वाला प्रोडक्ट है। तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैंने क्या दिमाग लगाया कि साथ में जो रिएजेंट आया है उसको चेक कर लेते हैं, इसी उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है तो इसका मतलब किस तरह का हुआ। यदि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो साथ वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, और यदि वो रिड्यूसिंग एजेंट का बिहेव कर रहा है साथ वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो जाएगा। ओके डियर, तो इस तरह से अपन इसको जस्टिफाई किया, तो दोनों में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में आ रहा है, दोनों में एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम में आ रहा है। नेक्स्ट 58 में बोल रहा है कि व्हेन Cl2, जो Cl2 है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोजन, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब Cl2 जो है वो रिएक्शन कर रही है हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ। आप सबको पता है कि ये रिएक्शन पी ब्लॉक की है, जहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है वो Cl- जहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन होता है, क्लोरीन का विषमानुपातन होता है, और यहाँ पर उत्पाद जो बनता है Cl- और Cl3-, जहाँ पर Cl-1 में गया है, जहाँ Cl+5 में गया है, जहाँ से गया है वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 0 से -1 में जाना और 0 से +5 में जाना, तो 0 से -1 एंड 0 से +5। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन दिस मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन की सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, वो अपने को जस्टिफाई करना है। तो ये बड़ा ही फेमस है मॉलिक्यूल, जो आप सबको पता है इसमें परोक्सी लिंकेज होता है, किस तरह से होता है, क्योंकि इसको अपन ऑक्सीकरण अवस्था से ही जस्टिफाई, संरचना से ही जस्टिफाई करते हैं। H2S2O8, यहाँ पर आप संरचना से देखो कि सल्फर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन दिए, सल्फर ने यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन दिए, सल्फर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, सल्फर तो टोटल प्लस दो ऊपर वाले ऑक्सीजन की वजह से, प्लस का दो नीचे वाले ऑक्सीजन की वजह से, प्लस एक लेफ्ट एंड राइट वाले ऑक्सीजन की तरफ से आया, तो ओवरऑल इसका प्लस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम टू सेम सल्फर का भी प्लस 6। तो पहले वाले मॉलिक्यूल में सल्फर क्या आ गया, प्लस 6 में, दूसरे वाले में इस पर तो आ गया प्लस 6 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट। H2S2O4 है तो वो एक्स वाले तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल मॉलिक्यूल क्लास के नोट्स में बताया जाता है कि इसमें अपने को इसकी अपने को देखना पड़ेगा, उसके जो स्ट्रक्चर है उसी की हेल्प से, संरचना की सहायता से ही अपने को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप प्लस का 2, एक्स वाले मेथड से कर रहा हूँ, प्लस 2x सल्फर का हो गया, माइनस का 8 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन की वजह से इजिक्वल्स टू 0, तो x क्या आ जाएगा, प्लस का 3। तो नेक्स्ट वाले में पता चल गया कि सल्फर प्लस 3 है, और H2S2O6 तो फिर प्लस का 2, प्लस का 2x, माइनस का 12 इजिक्वल्स टू 0, और इसमें सॉरी x क्या आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 2 प्लस का 5, तो इसमें प्लस 5, तो प्लस 3, प्लस 6, प्लस 3 एंड प्लस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 60 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है आपको आयोडीन का, इन अणुओं में आयोडीन का, तो IO3 माइनस जो है इसमें x वाले मेथड से इजीली हो जाएगा, x माइनस 6 इज गोज टू माइनस का 1, x इज गोज टू प्लस का 5। नेक्स्ट IO4 माइनस में सिंपल से इसी तरीके से कर लूंगा मैं, x माइनस का 8 इज गोज टू माइनस का 1, और इसमें किस तरह से देखा जाएगा, x इज गोज टू क्या जाएगा, प्लस का 7। नेक्स्ट है KI में प्लस 1 है तो आयोडीन माइनस 1 हो जाएगा, KI में तो अपने पता है K प्लस 1 है तो आयोडीन माइनस 1 है, और I2 एक होमो एटोमिक है जिसमें I2 में आयोडीन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। ओके डियर, तो प्लस 5 प्लस 7 माइनस 1 एंड 0, तो इसका आंसर ये वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 60 पे इस पूछा कि किसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की वो बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीजिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अपन ने इसमें जो भी मॉलिक्यूल दे रखे हैं, जो अणु दे रखे हैं, उसमें काम करते हैं, जैसे OF2 है, तो OF2 में आपको पता है फ्लोरीन माइनस 1 में होता है, तो ऑक्सीजन में क्या प्लस 2 चार्ज दिया जाएगा क्या, ओके डियर, और KO2 में K प्लस 1 होता है, O2 माइनस 1 नहीं हो जाएगा क्या, तो O2 माइनस 1 का मतलब है या माइनस हाफ में नहीं हो जाएगा क्या, BaO2 में जो Ba है प्लस 2 में है, तो O2 माइनस 2 में, तो ऑक्सीजन माइनस 1 में नहीं हो जाएगा क्या, अपन O की देख रहे हैं ना डियर। नेक्स्ट O2 में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सबसे ज़्यादा इसमें आया ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर O2 में आएगा दो नंबर पे, और फिर -1/2 लास्ट में -1 आ जाएगा, तो इसने बोला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा OF2 में आना चाहिए, तो ये इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विच चॉइस हैज वैल्यू ऑफ ट्वाइस दैट ऑफ द इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो इक्विवेलेंट मास उसका 2 times जो है उसको आपको आंसर देना है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन, यहाँ पर पहले ही जस्टिफाई करना पड़ेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस रिएक्शन को देखते हुए कौन है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका खुद का रिडक्शन हुआ होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की खास बात क्या है, वो खुद रिड्यूस हुआ होगा, ऑक्सीकारक वो है जो खुद अपचयित हुआ होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, SO2 प्लस 2H2S से 3S प्लस 2H2O, तो ये प्लस 4 में है जो कि 0 में गया है, खुद रिड्यूस हुआ, पता चल गया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले में चेक करने पता चल गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट का 2 times, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसका मास, उसका मोलर मास, तो 32 प्लस 32 64 इसका मोलर मास हो गया, VF कितना है, चेंज कितना हुआ 4 का, तो डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि उसका इक्विवेलेंट मास का 2 times पूछा है, तो 30 इससे ये 2 times चला जाएगा, 64/32, तो आंसर 32 हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ 0.1 mm ऑक्सैलिक एसिड दैट कैन बी
कंप्लीटली ऑक्सीडाइज बाई 20 ml ऑफ 0.2 m KMnO4, मतलब ऑक्सिलिक एसिड का कितना वॉल्यूम एक तरह से कंप्लीटली KMnO4 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो अपने को जस्टिफाई करना है इतने KMnO4 से, तो वापस वही रिएक्शन है। KMnO4 जब रिएक्शन करेगा ऑक्सिलिक एसिड H2C2O4, इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा Mn, एसिडिक मीडियम में प्लस टू में चला जाएगा, और साथ में जो ऑक्सिलिक एसिड है वो प्लस थ्री से प्लस फोर में CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका VF कितना आ गया, इसका VF आ गया 5। ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया है, तो इसका चेंज कितना हुआ 1। तो ऐसे दो कार्बन आइटम, इसका VF कितना आ जाएगा 2। दो कार्बन आइटम से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है जो चेंज है उसको। तो यहाँ पर देखते हैं कि KMnO4 है, उसके लिए अपने को इक्विवेलेंट देखना है, तो इसका 20 ml इंटू 0.025 है क्या, सॉरी 20 × 0.025 इंटू KMnO4 के इक्विवेलेंट लिख रहे हैं, वॉल्यूम मोलरिटी इंटू VF दैट इज 5, और इस गोल्स टू क्या करना है अपने को ऑक्सिलिक एसिड के अपने को ml दिखाना है, तो मोलरिटी कितनी दे रखा है 0.1 इंटू वॉल्यूम आ जाएगा इसका, जो अपने कैलकुलेट करना है V, और VF इसकी कितनी होगी 2। ओके डियर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये 10 रह जाएगा, और ये पॉइंट जो है हटेगा यहाँ पर, डिवाइड में आएगा तो एक और 100 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.5 × 5, इसका मतलब 12.5, तो आंसर आएगा 12.5 ml। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg, मतलब 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन के मोल आ जाएंगे, 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन के मोल आ जाएंगे। तो वही मोल का तो एक तरीका है गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल का तो सिंपल सा तरीका है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो इसका गिवन मास कितना है, इसका गिवन मास अपने को देखना पड़ेगा 1 kg, तो 1 kg रख देते हैं, यदि मोलर मास kg में रख रहे हो तो ये गिवन मास में kg में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मोलर मास कैसा है, ये मजेदार चीज है, इसका मोलर मास क्या है ना, मोलर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻³⁻³ kg नहीं होता क्या, यदि एक मोल का करना है तो Na से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे क्या, तो ये जो आएगा मोलर मास वो kg में निकालो, क्योंकि गिवन मास kg में, आप चाहो तो गिवन मास kg में रखो, मोलर मास भी kg में रखो, तो गिवन मास ग्राम में रखो, हालांकि मोलर मास वैसे ग्राम में ही डिफाइन होता है, लेकिन फिर भी यूनिट सेम रखने के लिए कर रहा हूँ सारा, वो kg से kg वैसे कर जाना है, 9.1 × 10⁻³⁻³ मल्टीप्लाई बाई 10⁻²³ इंटू Na की वैल्यू रख रहा हूँ इंटू 6, ठीक है डियर, तो 9.1 × 6.023 और ये वैल्यू रही 6.023 इसने जिस हिसाब से दे रखा है, और ये प्लस का पावर 8 हो जाएगा, वो पावर 8 यहाँ पर काम में आ जाएगा, ये पावर कैंसिल हो गया, और ये वैल्यूज ऑप्शन में है जैसे जैसे दे रही, तो फोर्थ आंसर इसका हो जाएगा। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज मिक्सचर ऑफ 1 mole ऑफ ईच, हर किसी के एक मोल को अपन इस मिक्सचर के हर किसी के एक मोल को लिया गया है, ठीक है, किस किस को लिया गया, Fe C2O4 इसका एक मोल लिया है मिश्रण का, अगला Fe C2O4 का होल थ्राइड इसका भी लिया गया है 1 mole, नेक्स्ट Fe2SO4 होल थ्राइस इसका भी क्या लिया गया है 1 mole, इन सब का एक एक मोल लिया गया है, ठीक है, तीन चीज़ें हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, अच्छा एक और है Fe SO4 रह गया, ठीक है, Fe SO4 का भी एक मोल लिया, तो सबका एक एक मोल अपन ने कंबाइन के, एक मोल इसका, एक मोल इसका, एक मोल इसका और एक मोल इसका, तो इन सब के इक्विवेलेंट को अपने को ऐड करना पड़ेगा, सभी इक्विवेलेंट को जोड़ेंगे तो नेट इक्विवेलेंट अपने पास जो चाहिए, तो इसका VF देखते हैं, इसके इक्विवेलेंट प्लस इसके इक्विवेलेंट प्लस इसके इक्विवेलेंट प्लस इसके इक्विवेलेंट टोटल मिला के KMnO4 के इक्विवेलेंट नहीं आ जाएंगे क्या, ठीक है, तो अपन जस्टिफाई करते हैं, इसके मोल इंटू VF इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसका VF देखना पड़ेगा, इसमें Fe जो है वो प्लस 2 से प्लस 3 में जाएगा, इसकी वजह से एक चेंज होगा, और इसमें कार्बन प्लस 3 से प्लस 4 में जाएगा, तो इसमें एक का चेंज और होगा, तो टोटल जो है, जो इसमें एक का चेंज हुआ एक ही एटम, इसमें एक का चेंज दो एटम में, तो टोटल ऑक्सीडाइज जब होगा तो 3 का चेंज नहीं हो जाएगा क्या, दो कार्बन की वजह से एक Fe की वजह से VF कितनी आ गई इसकी 3, इसमें Fe प्लस 3 में, तो जो चेंज है वो सारा ऑक्सीलेट की वजह से, तो इसका VF जो आएगा वो केवल ऑक्सीलेट की वजह से आएगा, इसका VF केवल ऑक्सीलेट की वजह से आएगा, दैट इज, अब इसमें आप देखो कि ऑक्सीलेट में कार्बन के एटम, एक कार्बन एटम प्लस 3 से प्लस 4 में गया, CO2 में जाता, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने रिएक्शन लिखी थी, अब एक का चेंज ऐसे कितने कार्बन एटम है, चेंज जो है वो एक का ऐसे कितने कार्बन एटम है, 3 × 2 × 1 का चेंज, तो और इसकी VF कितनी आ गई 6, ये VF का ही गेम है, फिर से बोल रहा हूँ,
यहाँ पर SO4 Fe plus 2 है और SO3 minus है, तो इसमें Fe plus 3 इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और Fe plus 3 है इसमें कोई चेंज, Sv और सल्फर प्लस 6 इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसमें जरूरत नहीं, इसको ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जरूरत नहीं है। इसमें एसओ फोर माइनस टू में सल्फर प्लस 6 हो गया, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। और बात करूँ Fe की तो Fe plus 2 से प्लस 3 मतलब इसका VF1 हो जाएगा, और हर किसी के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, मोल इंटू VF, तो मोल इंटू VF इसका 3 आ जाएगा, मोल इंटू VF इसका 6 ही आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं, इसका मोल इंटू VF1 आ जाएगा। तो ओवरऑल मेरे को KMnO4 इसके टोटल इक्विवेलेंट कितना आ गया जिनको ऑक्सीडाइज करना है, तो 3 इसके इक्विवेलेंट आ गए, 6 इसके इक्विवेलेंट आए, 1 इसके इक्विवेलेंट, 10 इक्विवेलेंट आगे जिनको मुझे ऑक्सीडाइज करना है, 10 इक्विवेलेंट्स को ऑक्सीडाइज करना है, तो इसलिए KMnO4 भी मेरे को 10 इक्विवेलेंट्स ही है, तो 5 इसकी VF होती है KMnO4 की एसिडिक मीडियम में इंटू इसके मोल जो मेरे को चाहिए, तो 5 डिवाइड में चला जाएगा इज गोस टू n, तो मोल्स कितने चाहिए मेरे को, 2 मोल। ओके डियर, चलो तो 2 मोल आंसर हो गया। नेक्स्ट 66 है, इसमें बोला गया कि द टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BBr3 टू बिहेव एज लुईस एसिड डिक्रीज इन सीक्वेंस, मतलब लुईस एसिड एक्सटेंट, लुईस अम्लीयता का क्रम जो है उसका डिक्रीजिंग, घटते हुए क्रम का क्रम क्या आएगा, तो इसमें सिंपल सा तरीका है कि BF3 जो है आपको लिखवाया जाता है कि इसका जो लुईस एसिडिक बिहेवियर है, हालांकि इसका ज़्यादा होना चाहिए लेकिन इसमें बैकबोन बनता है, इस बैकबोन के बाद बोरोन जो है अपना ऑक्टेट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेता है। ओके डियर, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन की जो डिमांड है, इलेक्ट्रॉन की जो भूख है वो थोड़ी तृप्त हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की डिमांड टेंडेंसी कम होती है। लेकिन यही बात करूँ BCl3 में साइज का डिफरेंस होता है बोरोन और क्लोरीन, तो थोड़ी कम टेंडेंसी है पाई ओवरलैपिंग की, क्योंकि पाई बॉन्ड उनके बीच में इजीली बनता है जिनका साइज छोटा होता है, और जिसे BR3 तक जाऊंगा तो इसकी टेंडेंसी और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो जो इसमें सबसे मतलब अच्छा हो जाए, इसमें जिसमें बैकबॉन्डिंग सबसे कम होगी उसमें भूख उतनी कम मिटी, मतलब उसकी डेफिशिएंसी कम नहीं हो पाई बैकबॉन्डिंग से, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन की डिमांड वैसी ही है, तो BBr3 मेरे हिसाब से सबसे अच्छा हो जाना चाहिए और BF3 सबसे कमजोर, तो इसमें यह आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इन इनऑर्गेनिक बेंजीन, अच्छा इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है, तो आपको पता है C6H6 तो होता है ऑर्गेनिक बेंजीन, और इनऑर्गेनिक बेंजीन में क्या होता है, एक B होता है, फिर N आता है, फिर B आता है, फिर N आता है, फिर B आता है, फिर N आता है, और B आता है, जिसमें हर एक पर एक एक हाइड्रोजन लगी रहती है, और जिसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल पुट कर देता है, तो एग्जैक्टली बोरोन जब लेता है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो बनता है, इसमें एक एग्जैक्ट फीलिंग किसकी आती है, बेंजीन की, बेंजीन में एक अल्टरनेट रहता है पाई डबल, और हाइड्रोजन सबसे कनेक्टेड रहता है, हाइड्रोजन सबसे कनेक्टेड तो ये एकदम बेंजीन की तरह दिखता है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला किया गया B3N3H6, तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन का एग्जाम्पल हो गया। ओके डियर, नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन कंटेन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन के स्ट्रक्चर में क्या खास बात है, तो डाइबोरेन पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप सबको पता है कि इसमें ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये ब्रिज बॉन्ड, ये बनाना बॉन्ड है, B2H6 है, तो B2H6 कुछ इस तरह से होता है, ये रहा B2H6। अब इस पे अपन जस्टिफाई कर सकते हैं कि कितने क्या है, अब इसमें देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। ओके डियर, तो ये है दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर बॉन्ड, ऐसे कितने, दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर, 1 2 3 4, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन तो हो गए 4, उसके बाद 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक ही रहा, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक ही रहा, तो 2 हो गए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो 4 तो हो जाएंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और 2 हो जाएंगे ये बीच वाले, ठीक है, तो आंसर जाएगा फर्स्ट। ओके डियर, नेक्स्ट ग्लास रिएक्ट विद HF एंड फॉर्म प्रोडक्ट, इसमें ग्लास का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ग्लास का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, जब HF के साथ रिएक्शन करता है, जब HF के साथ रिएक्शन करता है तो ग्लास क्या फॉर्म करता है, H2SI, हालांकि मेरे को यहाँ नहीं लिखना चाहिए, जब ग्लास रिएक्ट करता है इसमें H2SI F6, हालांकि ये NCERT के रिएक्शन अपने को याद रखनी पड़ेगी, NCERT की रिएक्शन है, NCERT में दे रखा है H2SI F6 बनता है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बताया जाता है इसको H2SI F6, और इस पर कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट
ये रिएक्शन एनसीईआरटी की है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ डाई हैलाइड्स ऑफ SiGSN, मतलब काशी के शंकर प्रभु, मतलब कार्बन फैमिली के 14 ग्रुप की बात कर रहा है। कार्बन फैमिली SiGSN, जर्मेनियम, टेन एंड लेड। इसमें बोला जा रहा है कि स्टेबिलिटी जो है डाई हैलाइड का, तो आपको सबको पता है कि इसमें प्लस टू और प्लस फोर दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा की जाती है। प्लस टू और प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट की चर्चा की जाती है, जिसमें जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है नीचे वालों की ज़्यादा स्टेबल होती है और प्लस फोर ऊपर वालों की ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें क्या बोला जाएगा कि डाई हैलाइड यदि बने तो इसका लेड का सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो डाई हैलाइड सबसे ज़्यादा लेड का, फिर टिन का, फिर ऐसे, फिर जी का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ओके डियर, नेक्स्ट इनऑर्गेनिक में थोड़ा थियोरटिकल पोर्शन है, थोड़ा याद होगा तो अच्छे से काम हो पाएगा। नेक्स्ट है ऑन कंट्रोल हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन R3SiCl यील्ड, मतलब इसको यदि नियंत्रित जल अपघटन करे और संघनन करे, तो आप सोचो कि इसका नियंत्रित जल अपघटन किसका किया जा रहा है, आर थ्री, ये आर रहा R3Cl, इसका जल अपघटन होता है तो वही HOH करवाया जाएगा। तो HOH में HCl रिमूव होगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होगा Si, R, R, R और यहाँ पर OH ग्रुप। आप सोचो कि ऐसे और भी मॉलिक्यूल बने होंगे इसी तरह के, Si, R, 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 एक OH वाला ग्रुप। वापस इसका क्या करना है, कंडेंसेशन, मतलब पानी को वापस रिमूव करना है, तो H2 वापस रिमूव होगा। तो ये कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, R3Si जो है इस O के साथ, इस O के साथ कनेक्टेड, क्योंकि H2 यहाँ से रिमूव हो चुका है, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके डियर, तो नेक्स्ट चलते हैं। द बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स इन फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स डिक्रीज इन, हाँ हालांकि 15th ग्रुप है क्योंकि इसको मतलब अपन चर्चा कर सकते हैं, जो हैलाइड दे रखे हैं वो 15th ग्रुप है। इसमें क्या बोला है कि बेसिक करेक्टर, आप सबको पता है कि 15th ग्रुप में जो हाइड्राइड है NH3, PS3, ASH3 एंड SbS3, ये जो फिफ्थ ग्रुप दे रखा है वो जो पीरियोडिक टेबल है मेंडेलीव्स की, जो ओल्ड पीरियोडिक टेबल थी, ये लॉन्ग फॉर्म की वजह से नहीं है, मेंडेलीव्स की पुरानी पीरियोडिक उसके अकॉर्डिंग है। आपको पता है कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाते हैं लुइस बेसिक नेचर जो होती है वो डिक्रीज होती है, तो सबसे अच्छा लुइस बेस NH3 होता है, PS3 और कमजोर होता है, SH3 और ही कमजोर होता है, SB3 सबसे कमजोर होता है। तो लुइस बेसिक नेचर जो है टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, तो ये इसका आंसर चला जाएगा। ओके डियर, ये अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि बॉन्ड डिस्टेंस एक्सप्लेन करते हैं, लोन पेयर कैसे किस पे पड़े हैं, कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इसमें बहुत सारी अच्छे से चर्चा करते हैं। ओके डियर, द रेफरेंस टू प्रोटोनिक एसिड विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, मतलब प्रोटोनिक एसिड के साथ यदि अपन रिएक्शन या प्रोटोनिक एसिड के साथ बिहेवियर की बात करें तो कौन सा करेक्टर सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, PS3 इज मोर बेसिक देन, नहीं अभी थोड़ी देर पहले बोला था PS3 तब बेसिक नहीं होता। नेक्स्ट, PS3 लेस बेसिक देन NH3, हाँ PS3 कम बेसिक होता है इस कंपेयर टू NH3, तो आंसर चला जाएगा सेकंड। ओके डियर, नेक्स्ट है 74, विच वन इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है जिसमें बेसिसिटी, बेसिसिटी अपन एसिड के लिए डिफाइन करते हैं, आप सबको पता है बेसिसिटी एसिड के लिए डिफाइन होती है, तो बेसिसिटी ऑफ H3PO4 एंड H3PO3 इज 3 और 3, नहीं H3PO4 की जो बेसिसिटी होती है वो होती है 3, बिल्कुल सही बात है, 3 H+ दे सकता है, बेसिसिटी को कितना H+ दे सकता है, क्षारकता बोलते हैं इसको, H3PO3, इसकी बेसिसिटी होती है 2, ये 2 ही H डोनेट कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2 और इसकी 3, तो आंसर 4th है बिल्कुल। एसिडिटी नहीं होती, इनकी बेसिसिटी डिफाइन होती है, बेस की एसिडिटी होती है, एसिड की बेसिसिटी डिफाइन होती है, अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता परिभाषित होती है। ओके डियर, क्योंकि जितने एसिड्स दे सकता है। नेक्स्ट है द करेक्ट एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स इन, मतलब जो ऑक्साइडों की सही अम्लीय सामर्थ्य इसको जस्टिफाई करना है, तो हम सबको पता है कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उसका ऑक्साइड, वो ऑक्सीड उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, तो NO, N2O, N2O5, N2O3 जो भी अपन को दे रखा है, तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे लेस एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस टू में और ज़्यादा होगी, प्लस थ्री में और ज़्यादा होगी, प्लस फोर में और ज़्यादा, और प्लस फाइव में हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा सेकेंड आंसर। ओके डियर, नेक्स्ट अपन चलते हैं 76, विच ऑफ द कौन सा स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, अपने गलत सेलेक्ट करना है, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, सही या गलत नहीं जस्टिफाई कर पाते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, Cl2O7 एनहाइड्रिक
बिल्कुल सही बात है, Cl2O7 पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्रस फॉर्म होता है। कैसे? HClO4 जो पर क्लोरिक एसिड होता है उसके दो मॉलिक्यूल लिया जाए, वहां से H2 रिमूव किया जाए, माइनस एक H2 किया जाए, तो इससे क्या बनता है? Cl2O7। ओके डियर, O3 मॉलिक्यूल इज बेंट, बिल्कुल सही बात है। O3 मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, अपन सबको पता है, ये O3 मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट क्या है? ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद NO2-। ओके, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्लोरिन में 9 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन 15 + 9 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं NO2-, नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन हो गए और 16 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए और एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, तो इसको ऐड कर देते हैं। ओके डियर, तो ये भी कितने हो गए? 24। ओके डियर, दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, ये भी स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन। OF2 इज नॉट ए ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, दिस इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड नहीं है फ्लोरीन का, जबकि ये फ्लोराइड है ऑक्सीजन का, क्योंकि आइड जो है उसके पीछे लगता है, इसके पीछे नेगेटिव एनायनिक चार्ज होता है, ऑक्साइड नहीं बोल सकते इसको, इसको फ्लोराइड बोल सकते क्योंकि F- प्रेजेंट है। ओके डियर, F- प्रेजेंट, इसलिए इसको फ्लोराइड बोल रहे हैं, ऑक्साइड नहीं बोल रहे हैं। नेक्स्ट, ओजोन इज ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन से बनाने का NCERT में एक ही तरीका देखा है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। इसमें अपन 10% ऑलमोस्ट O3 कन्वर्ट होकर निकलती है उसके अंदर, जिसको अपन हिंदी में शांत विद्युत विसर्जन, बिल्कुल मेथड का नाम है, इसमें कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड। तो बिल्कुल, जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, नाइट, अपने कोर्स में तीन ही न्यूट्रल है, एक तो N2O, एक NO एंड एक CO, तो इनमें से कोई होगा वही आंसर होगा, तो NO इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके डियर, इसलिए बिल्कुल सही आंसर है NO। नेक्स्ट है, इन विच पेयर ऑफ आयन बोथ स्पीसीज कंटेन एस सिंगल बॉन्ड एस, किसमें दोनों के अंदर होना चाहिए, तो अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करके ही कर सकते हैं, पहले वाले की ड्रॉ करते हैं। ये थायोनिक एसिड, आपको पता है थायोनस थायोनिक दो तरह के एसिड होते हैं, जिसमें थायोनिक में कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ किया करते हैं। अच्छा, एक ज्यादा रहेगा, सॉरी, 4 सल्फर है, फिर सल्फर, 4 सल्फर, फिर O- और O-। ओके, इसमें ऐसे लिंकेज है, बिल्कुल S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, S2O3-2। ओके डियर, और इसमें S बना रहता है और यहाँ पर O-, बिल्कुल इसमें लिंकेज प्रेजेंट है, तो आंसर फर्स्ट आएगा, दोनों में SS लिंकेज है। इसमें परोक्ष लिंकेज आ जाता है, इसमें बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, ये नहीं होगा, इसमें बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, इसमें बीच में ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये आंसर नहीं है। ओके डियर, तो आंसर सेकंड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट ए अकॉर्डेंस विद द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट। इसके साथ जो लिखी हुई प्रॉपर्टी है, इसके जो पैरेलल में प्रॉपर्टी लिखी हुई, कौन सी प्रॉपर्टी के साथ सही मैचिंग नहीं है? मैं बोल रहा हूँ फिर से, नोट है ना, गलत कौन सा है, किसके अकॉर्डिंग सही, कौन सा कथन सही नहीं है इसके हिसाब से, तो वो जस्टिफाई करना है। तो आप देखो कि F2Cl2Br2I2, इसमें है इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपको बताया कि बिल्कुल सही बात है, F2 की ज़्यादा होती है, F की ज़्यादा, Cl की और कम, Br की और कम, और आयोडीन की सबसे कम। इन बार बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2, हालांकि F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसमें एग्जैक्ट ऑर्डर क्या होता है, Cl2 का सब ज़्यादा, फिर Br2, F2 थर्ड पोजिशन पर आ जाता है, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसमें FF का रिपल्सन लगता है, तो इस वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। ओके डियर, तो इस केस में क्या बोलूंगा कि आंसर जो है ये करेक्ट ऑर्डर नहीं, अपने को ये आंसर देना था। नेक्स्ट चलते हैं, 81, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। ओके डियर, तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसका मतलब उसको ज्यादा हीट करने पर ब्रेक होगा, जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसको ज्यादा हीट करने पर वो जाके ब्रेक होगा, तो वो थर्मली ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा। तो आप देखो ना कि HF जो है, HBr जो है, पहले Cl लेना चाहिए मेरे को, HF, HCl, HBr और HI। आप देखोगे कि इन सब में ओवरलैपिंग किसकी है, 1s2p, 1s3p, 1s4p और 1s5p। ये सबसे अच्छी ओवरलैपिंग है, बॉन्ड इतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है जितने साइज कम डिफरेंस वाले ओवरलैप्ड होते हैं, जितने कम आकार अंतर के कक्षक अतिव्यापित होते हैं उनमें अतिव्यापन अच्छा होता है, बंध मजबूत बनता है, तो तापीय स्थायित्व भी उसमें ज्यादा आएगा, तो सबसे ज्यादा तापीय स्थायित्व HF, फिर HCl, फिर HBr, सबसे कम HI। ओके डियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 मेस द इंटरहैलोजन कंपाउंड। हाँ, इनको इंटरहैलोजन कंपाउंड को उसकी संरचना के आधार पर अपने को बनाना है। तो देखो मैं इस तरीके इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े सिंपल से तरीके करता हूँ। मेरा तरीका कुछ और है, आप हाइब्रिडाइज निकाल करते हो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसको ट्रिकी फॉर्म में कैसे करते हैं। दो एटम है ना वो हमेशा लीनियर हो गया, चाहे कुछ भी हाइब्रिडाइजेशन आता है, दो एटम हमेशा लीनियर होते हैं, तो ये लीनियर के साथ मैच कर जाएगा। तीन एटम है तो तीन एटम जब भी, सॉरी चार एटम है ना, तीन तो सराउंडिंग में है और एक सेंटर में है, तो सोचो तीन सराउंडिंग में चार क्या क्या हो सकता है। टी शेप हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है इसमें, स्क्वायर पिरामिड नहीं हो सकता, उसमें भी ज्यादा चाहिए एटम आपको, और टेट्राहेड्रल, हाँ टेट्राहेड्रल में भी चार चाहिए आपको, तो मैचिंग इसके साथ ही बैठेगी टी शेप के साथ। भैया पूरा हाइब्रिडाइज निकाल के क्यों परेशान हो रहे हो, इस ट्रिकी फॉर्म से करो ना। फिर एक्स डिस फाइव, इसको ओपन कर सकते हैं कैसे। हेलोजन के वैलेंस सेल में कितने होते हैं टोटल, सात इलेक्ट्रॉन, जिसमें पांच तो ये आ गए, एक दो तीन चार और पांच, एक लोन पेयर, तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, एक लोन पेयर आ गया, तो पांच सिग्मा एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3d2 सॉरी, क्योंकि छह स्टेरिक नंबर आ गया, तो sp3d2 के अंदर एक लोन पेयर है, छह बच्चों पांच क्या है बॉन्ड पेयर है, तो स्क्वायर पिरामिड बनता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ओके डियर, नेक्स्ट क्या है, एक्स एक्स डे से सातों के साथ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड है, तो वो तभी बनता है जब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन संकरण आता हो और उसमें पेंटागोनल बाई पिरामिडल ही बनता है, तो इसमें मैच कर लो जो आपका आंसर है। ओके डियर, नेक्स्ट चलते हैं। गुड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर, मतलब S3PO2 गुड रिड्यूसिंग एजेंट है एटीट्यूड टू, किस लिए, किसके कारण है, तो इसमें कारण क्या दिया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा राज की बात है। S3PO2 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, और ये जो पीएच बॉन्ड होता है ना, ये पीएच बॉन्ड बहुत कमजोर बॉन्ड होता है, इसलिए बहुत इजीली हाइड्रोजन रिलीज हो जाती है और अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर पाता है। इसी की वजह S3PO4 नहीं कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर पीएच बॉन्ड होता ही नहीं है, S3PO4 के अंदर सारे पीओएच टाइप के बॉन्ड होते हैं, इसलिए वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता। ओके डियर, तो ये बात भी अपने को समझ आती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपन जस्टिफाई कर रहे हैं 83 84। XeF6 on hydrolysis, XeF6 का जब भी हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो XeF6 है, कहते हैं कि हाइड्रोलाइसिस जब भी किया जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, ट्रिक रहती है इसके, जब भी हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, सेम रहती है, उससे अपन जस्टिफाई करते हैं। तो एक्जी में भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जब इसका हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनेगा तो इस ट्रिक से काम हो रहा है अपना, इसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तभी रह सकती है जब XeO3 एज ए प्रोडक्ट आए, तो इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, XeO3 जो अपना मेन प्रोडक्ट अपने चर्चा हो रही है। ओके डियर, नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं 85। विच इनर्ट गैस हैव हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, कौन सी इनर्ट गैस का जो क्वथनांक बिंदु अधिकतम है, इसको जस्टिफाई करना है। तो आप सबको पता है कि जब जितना अच्छा वंडरवॉल बॉन्ड होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होगा, और वंडरवॉल बॉन्ड उसमें ज्यादा होगा इसका मास ज्यादा है, मॉलिकुलर मास ज्यादा है। तो आप देखो जो जीनोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टोन है और हीलियम है, तो सबसे ज्यादा जो एटोमिक मास होता है वो जिसका हैवीनेस होता है वो किसका ज्यादा, जो पीरियड में सबसे नीचे आता है, तो इन सब में जीनोन सबसे नीचे है, तो इसका वंडरवॉल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, उस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 86। विच स्ट्रक्चर फॉर XeO3 एंड XeF4 कंसिस्टेंट विद द VACPR मॉडल, इसके अकॉर्डिंग किसकी क्या स्ट्रक्चर आएगी, तो ऑब्वियस बात इसका अपन पहले हाइब्रिडाइज निकालेंगे XeO3, तो XeO जीनोन जो 18 ग्रुप से है, तो इसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन वो 8 है, ये ऑक्सीजन, ये भी दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड और ये भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड, ये लोन पेयर, तो इसमें स्टेरिक नंबर कितना आ गया, तीन सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर स्टेरिक नंबर आया 4। फोर स्टेरिक नंबर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड पेयर है, तो इस केस में अपन क्या बोल देंगे, जो एक लोन पेयर तीन बॉन्ड पेयर में जीनोन किस तरह से एडजस्ट हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ, फिर एक और ऑक्सीजन के साथ, एक और ऑक्सीजन के साथ, एक लोन पेयर, तो ये ट्रायगोनल पिरामिडल टाइप की शेप बन जाया करती है। नेक्स्ट बात करते हैं XeF4, XeF4 में वापस वही हाइब्रिडाइजेशन निकालने पड़ेगा अपने को, आठ इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तो इसमें केस क्या बना, चार बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्टेरिक नंबर 6 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है,
जिसमें दो लोन पेयर। आप सबको बताया कि जब भी ऑक्टाहाइड्रोन बनता है उस ऑक्टाहाइड्रोन में दो लोन पेयर आते हैं, तो उन दोनों लोन पेयर को 180 पे अरेंज किया जाता है, तो इसमें स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके डियर, नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन, क्लोरीन ऑन रिएक्शन विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड। ये पहले भी क्वेश्चन में इस तरह की रिएक्शन काम में आई थी, जिसमें एक्चुअली अपने को रिएक्शन नहीं पूछी गई थी, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछा गया था। जब भी क्लोरीन हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है क्लोरीन का, विषमानुपातन होता है क्लोरीन का, और क्लोरीन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड CLO3 माइनस इसमें क्लोराइड आयन बनता है, जिसमें माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है और CLO3 प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो जीरो से माइनस वन और जीरो से प्लस फाइव, तो फाइनल आंसर इज Cl- एंड CLO3 माइनस। ओके डियर, नेक्स्ट 88 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। ब्लीचिंग प्रॉपर्टी अपने कोर्स में दो ही तरह के ब्लीचिंग एजेंट है, एक तो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। और यदि बात करूँ रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट, दैट इज SO2 जो कि मॉइस्ट फॉर्म में काम करता है, और ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, वो हर एक बंदा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है वो ब्लीचिंग एक्शन शो कर सकता है, लेकिन उसमें से जो प्रॉपर एज ए इंडस्ट्रियल वर्किंग में काम में आता है, इसमें फेमस है CLO2 वगैरह, CL2 भी बहुत, क्लोरीन वाटर भी है अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको भी एज ए ब्लीचिंग एक्शन वर्क किया जाता है, काम में लिया जाता है। तो इसमें SO2 और CL2 दोनों इसी ऑप्शन में जो ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर किस तरह से इंक्रीज होता है, सबसे पहले तो यदि आयनिक बॉन्ड ही है तो उसमें आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, और यदि आयनिक करेक्टर अपन देखना चाहें तो NaCl कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड है, और CaCl2 में बात करूँ तो इसमें अपन देखेंगे Ca पे प्लस टू चार्ज है, इसमें माइनस वन चार्ज है, उसकी पोलराइजेशन पावर काउंट करेंगे, और Pb+2 में हाइएस्ट पोलराइजेशन पावर होगी, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन पावर उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो PbCl4 कोवलेंट सबसे ज़्यादा होगा और NaCl हाइएस्ट आयनिक नेचर का होगा, जबकि PbCl2 में पोलराइजिंग पावर कम होती है तो उसका कोवलेंट करेक्टर कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू PbCl4, तो PbCl4 सबसे ज़्यादा कोवलेंट और NaCl सबसे ज़्यादा आयनिक, इसका मतलब PbCl4 सबसे लेस आयनिक हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा प्योर N2 कैन बी ऑब्टेंड बाई हीटिंग। अपने कोर्स में नाइट्रोजन के प्रिपरेशन के फाइव मेथड्स हैं, जिसमें से एजाइड को जब हीट किया जाता है सोडियम या बेरियम एजाइड, उससे जो नाइट्रोजन बनती है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कही जाती है, जिसने दे रखा है बेरियम एजाइड। ये सोडियम और बेरियम एजाइड दोनों ही काउंट किए जाते हैं Be(n)3 twice, जब इसको हीट किया जाता है तो Be बनता है और साथ में बनता है N2, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। हालांकि इसके अलावा और भी नाइट्रोजन, जैसे इसमें भी नाइट्रोजन बनती है, इसमें N2O बनता है, लेकिन नाइट्रोजन जो बनती है वो इसमें बन रही है और इसमें बन रही है, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म जो नाइट्रोजन की बन रही है वो एजाइड फॉर्म से ही बनती है। तो इस तरह से अपन ने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, थैंक यू सो मच।